डियर स्टूडेंट दिस इज चैप्टर फो अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड क्लास नाइन्थ का है क्वेश्चन आंसर है बहुत ही शॉर्ट वाई डिड आइंसटीन लीव द स्कूल इन मुनीच फॉर गुड आइंस्टीन ने स्कूल को क्यों छोड़ा आइंस्टीन लेव द स्कूल बिकॉज ही डिड नाट लाइक रेजिमेंटेशन ऑफ द स्कूल ही ऑफन क्लास्ड विद हीस टीचर्स आइंस्टीन ने जो स्कूल है उसको छोड़ा क्योंकि उसको जो रेजिमेंटेशन है वो पसंद नहीं था और अधिकतर वो टीचरों से झगड़ा भी करता था आइंस्टीन जो है वो स्विट्जरलैंड में पढ़ना चाहता था मुनीच में वो नहीं पढ़ना चाहता था मुनीश सॉरी में वो नहीं पढ़ना चाहता था क्योंकि जो आइंस्टीन था वो वांटेड ही वांटेड टू स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड क्योंकि स्विट्जरलैंड है वहाँ पे स्वतंत्रता ज़्यादा थी बजाय मुनीच के आइंस्टीन ने अपने साथी मेलिवा में क्या देखा एले होता है साथी आइंस्टीन सॉ एन एले इन मेलिवा बिकॉज शी वॉज वेरी क्लेवर बींग बींग मतलब होता है व्यक्ति तो आइंस्टीन को अपने एले मतलब साथी मेलि में अपना जीवन साथी नजर आया वट डू ऑल द अबाउट थिंग्स टेल अबाउट आइंस्टीन आइंस्टीन के बारे में आपको क्या पता चलता है इन सभी बातों से पता चलता है कि जो आइंस्टीन है उनकी जो विचारधारा है वो सबसे अलग थी वो रेजिमेंटेशन के विरुद्ध थे उनको एक स्वतंत्र माहौल में पढ़ना पसंद था और चतुर लोगों समझदार लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता था और इसीलिए उनको मैं से प्यार हुआ आइंस्टीन जो है वो अपने डेस्क ड्रॉर को पेटेंट ऑफिस कहते थे क्यों आइंस्टीन अपने डेस्क ड्रॉर को पेटेंट ऑफिस कहते थे ब्यूरो ऑफ थ्योरिटिकल फिजिक्स कहते थे वो क्योंकि इट हैड ऑल द पेपर्स रिगार्डिंग हिज आइडियाज़ ऑफ फिज़िक्स क्योंकि उनके ड्रॉर में उन्होंने वो सभी थ्योरीज रखी जिसमें उन्होंने फिज़िक्स के बारे में अपने विचारों को रखा वाई डिड आइंसटीन राइट लेटर टू फ्रेंकलिन रूजवेल्ट फ्रेंकलिन रूजवेल्ट को आइंसटीन ने लेटर क्यों लिखा आइंसटीन बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए परेशान हो गए जब नाजिश का जब नाजिश ने एक न्यूक्लियर फीसन रिएक्शन को डिस्कवर किया दिस कोड बी यूज टू बिल्ड एन एटमिक बम सो ही रोड लेटर टू अमेरिकन प्रेजिडेंट फ्रेंकलिन रूजवेल्ट टू वॉर्न हीम अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच एटोमिक बम तो उन्होंने रूजवेल्ट को ख़त लिखा कि अगर इन्होंने एटॉमिक बम बनाया तो उसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव होगा वो बहुत चिंतित थे इसीलिए उन्होंने प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को खत लिखा आइंस्टीन ने जब हिरोश्रमा और नागरसांकी में बम गिराए गए तो कैसी प्रतिक्रिया दी आइंस्टीन बहुत ज़्यादा सैड हो गए उदास हो गए डिस्ट्रक्शन बर्बादी को देख कर जो कि बॉम्बार्डिंग से हुई थी इन दो शहरों के ऊपर और उन्होंने ही रोट और उन्होंने लिखा एक बहुत बड़ा लेटर मैसिव होता है लॉन्ग ऑफिशियल लेटर उसको हम मैसिव कहते हैं एम आई डबल एस आई वी ई यूनाइटेड नेशंस को कि उनको एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का निर्माण करना चाहिए जो शांति की तरफ कार्य करे लोग आइंस्टीन को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करते हैं जो विश्व में शांति बनाए रखना चाहते थे वर्ल्ड सिटीज़न आइंस्टीन को शांति लोकतंत्र और मानवता बहुत ज़्यादा पसंद पसंद थी और वो अगेंस्ट थे आर्म्स के हथियार के इनके विरुद्ध वो थे उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी लॉन्ग का मतलब होता है इच्छा थी कि विश्व में शांति बनी रहे तो उन्होंने प्रपोज किया उन्होंने ऐसे एक प्रस्ताव भी रखा यूनाइटेड नेशंस के सामने कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाओ इसी जो कि दुनिया में शांति को बरकरार रखने के लिए कदम उठाएँ इसीलिए लोग आइंस्टीन को एक वर्ल्ड सिटीजन के तौर पर याद रखते हैं ये आपके कुछ वन वर्ड आंसर हैं कब और क्यों आइंस्टीन का जन्म हुआ फोर्टीन मार्च एटीन सेवेंटी नाइन जर्मनी के एक जगह है यहाँ पे हुआ था फ्री का मतलब वीक होता है अटर मतलब टॉक धीरे धीरे बात करना अमेटर होता है स्किल्ड व्हाट डिड प्ले मेट्स कॉल आइंस्टीन आइंस्टीन को बोलते थे ब्रदर बोरिंग आइंस्टीन ने वायलिन सीखा जब वो छः साल के थे उन्होंने शादी की मिलेवा मैरिक से एले का मतलब होता है फ्रेंड अनरेवल का मतलब होता है अनसक्सेसफुल कौन सा काम उन्होंने किया उन्होंने uh, किस साइंटिफिक रेवोल्यूशन uh, पे काम किया नाइनटीन फिफ्टीन पर उन्होंने काम किया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे लॉडेड का मतलब होता है प्रेज प्रशंसा करना उनको नोबल प्राइज मिला था नाइनटीन ट्वेंटी वन में हु वॉज द फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यह अमेरिका के प्रेजिडेंट थे एंड वट डिड आइंस्टीन लव आइंस्टीन को पसंद था शांति पीस डेमोक्रेसी लोकतंत्र एंड ह्यूमैनिटी मानवता थैंक यू